हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आइए डिस्कस कर लेते हैं आज की न्यूज़। आज है 19 मार्च, सो देख लेते हैं कौन सी न्यूज़ हमें डिस्कस करनी है। पहली न्यूज़ देखिए, ये कांग्रेस का महाधिवेशन था, उससे रिलेटेड ये बातें हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो इसमें कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर ने अपनी अपनी बातें की हैं, तो इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, पाक शेलिंग किल्स 5 ऑफ जम्मू कश्मीर फैमिली, राइट। तो पाक की तरफ से ये फायरिंग हुई और उसमें 5 जो जम्मू कश्मीर फैमिली मेम्बर थे वो इसमें मारे गए, राइट। तो ये जो मोर्टार शेलिंग होती है LOC पे पाकिस्तान की तरफ से, वही थी ये, राइट। तो इसमें पंचान वैली पे ये फैमिली मेम्बर मारे गए, राइट। और यहाँ पे देखिए, एम्स डॉक्टर के लिए यमुना एक्सप्रेस वे, और यहाँ पे देखिए कुछ हमारे लिए नहीं है, राइट। न्यू वर्क कल्चर इज़ माई प्रायोरिटी, कहा है कोरोड संगमा ने। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, हम सिर्फ वो न्यूज़ देखेंगे जो हमारे लिए यूज़फुल हो सकती है, राइट। राज ठाकरे ने अर्ज किया है ऑल पार्टीज टू फाइट फॉर मोदी मुक्त भारत, ठीक है। और देखिए ये न्यूज़ है, फडणवीस ने कहा है कि वो महाराष्ट्र को अगले साल कैटरेक्ट फ्री बनाना चाहते हैं, राइट। तो कैटरेक्ट आप लोगों को पता होगा, आँख की बीमारी होती है, तो चूंकि यहाँ पे काफ़ी पेशेंट जो है कैटरेक्ट के वो है, और उनके नंबर धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि 17.5 लाख पेशेंट वहाँ पे हैं, राइट। तो इन्होंने कहा है कि हम प्लान कर रहे हैं कि इन लोगों की, सारे लोगों की सर्जरी की जाए, राइट, और उनको उनका जो खर्च होगा वो गवर्नमेंट बेयर करेगी, ठीक है ना। तो कैटरेक्ट फ्री इन्होंने मुहिम चलाई है, राइट, महाराष्ट्र में। और यहाँ पे देखिए, शरद पवार है, इन्होंने भी कहा है कि टोबैको के खिलाफ जो वार है, जो जंग है, वो उसमें मैं उसको ये ज्वाइन करेंगे, राइट। और ये चाहते हैं कि ओरल कैंसर जो है वो उसको इरेडिकेट किया जा सके 2022 तक, ठीक है। तो जो मिशन है इरेडिकेशन का ओरल कैंसर के लिए, उसको कह रहे हैं कि 2022 तक का जो है उसमें शामिल, उसको भी ये ज्वाइन करेंगे, राइट, उसमें भी ये शामिल होंगे। और ये देखिए, ये कोलाटम डांस परफॉर्मेंस किया जा रहा है औरतों के द्वारा, राइट। तो कोलाटम देखिए एक फॉक डांस है आंध्र प्रदेश का, राइट। तो याद रखिएगा, कोलाटम आंध्र प्रदेश का एक फॉक डांस है। तो ये देखिए जो डांस हो रहा है, बेसिकली ये सेलिब्रेशन हो रहा है उगड़ी का। उगड़ी क्या है? उगड़ी देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये नया साल है, सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली ये होता है आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राइट, और महाराष्ट्र में। ये देखिए, द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, राइट, यहाँ पे ये एज ए न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। और ये फर्स्ट डे माना जाता है ल्यूनी सोलर कैलेंडर जो होता है, हिंदू कैलेंडर जो होता है, जो चैत्र से शुरू होता है, जिसका पहला महीना चैत्र होता है, राइट। तो इस बार ये मार्च से, 18 मार्च से शुरू हुआ है, ठीक है। तो उसी का ये सेलिब्रेशन हो रहा है, यानी कि ये नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। हिंदू कैलेंडर का नए साल की कल से शुरुआत हुई है, राइट। और एक और चीज़ इम्पोर्टेंट रखिएगा, ये ल्यूनी सोलर कैलेंडर है, ठीक है। और इसी सेलिब्रेशन को, इसी पर्व को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से, ठीक है ना, ये देखिए गुड़ी पड़वा के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा, उगदी, गुड़ी पड़वा, राइट। ये कभी क्वेश्चन आ सकता है कि ये आखिर है क्या। और ये देखिए चंद्रबाबू नायडू जो है, तो इन कह रहे हैं कि इनकी जो फाइट है वो अभी भी जारी है, राइट। और इनकी डिमांड वही है, स्पेशल स्टेटस की, स्पेशल कैटेगरी ये चाहते हैं कि इनको प्रोवाइड किया जाए, जैसा कि इनसे वादा किया गया था, राइट। जब इनका बाइफर्केशन हुआ था आंध्र प्रदेश का, तो ये वादा किया गया था कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। और देखिए अगली न्यूज़, ये केरला में जो अभी एक दिन कुछ दिनों पहले एक लिंचिंग हुई थी एक ट्राइबल की, राइट। तो उसके बाद ये कह रहे हैं कि अब केरला जो है, और ट्राइबल जो स्कीम्स है, ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स जो है, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो इस उसको रिविजिट करेगा, ठीक है ना। तो उसमें जो भी चेंजेस की ज़रूरत होगी उसको देखेगा, राइट। तो रिविजिटिंग द ट्राइबल वेलफेयर स्कीम, राइट, और इम्प्लीमेंटेड बाई वेरियस डिपार्टमेंट, ठीक है। और ये लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन देखिए विंटेज कार को फ्लैगिंग कर रही है,
और ये कार रैली आयोजित की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है उसके द्वारा। ठीक है, ये देखिए BHU में अलाउड ही किया गया गोडसे को ग्लोरीफाई करने के लिए, राइट, और उस पर जांच भी बैठा दी गई है। तो स्टूडेंट्स ग्रुप हैड डिमांडेड अ सेडिशन केस बी फाइल्ड आफ्टर अ वीडियो क्लिप वेंट वायरल, राइट। तो BHU में प्ले में एक प्ले हो रहा था, उसमें गोडसे का ग्लोरीफाई किया जा रहा था, राइट। तो इस उनको रोक दिया गया वहाँ पे, ठीक है ना। और ये देखिए बिलासपुर में, कोलकाता के बिलासपुर में स्टोन एज टूल्स जो है शिवालिक कल्चर के ये है, राइट, ये अनअर्थड हुए हैं, इनकी खोज हुई है, राइट। और ये ऐसा ये खोज हुई है ANSI के द्वारा, यानी कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट। और ये कह रहे हैं कि ये जो है एक्यूलियन आर्टिफैक्ट्स है, राइट, और कह रहे हैं कि इनकी जो एज है वो 15 लाख से 1.5 लाख साल पुरानी है, ठीक है। और ये कंटेम्पररी है सोनियन वंश फ्रॉम द अनएक्सप्लोर्ड साइट ऑफ घुमरविन इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, राइट। देखिए बिलासपुर, सॉरी मैंने कोलकाता बोला था अभी, शायद बोला था। तो ये देखिए ये बिलासपुर ये है आपके हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें, देखिए रिवर कॉरिडोर भी कह रहे हैं कि यहाँ पे मिला है। और तो बहुत सारे ये आर्टिफैक्ट्स है, ये स्टोन एज जो हमारा है उससे काफ़ी चीज़ें इस पता चलेंगी, ठीक है। सस्पेक्टेड टू बी अ टीवी ऑफ बाइबल, राइट। तो ये देखिए कह रहे कि ऐसा लग रहा है कि ये बाइबल की ये टीविया हो सकती है, राइट। तो ये थी न्यूज़ बिलासपुर स्टोरेज से रिलेटेड, राइट। और गवर्नमेंट टू टेक स्पिरिचुअल रूट टू स्पर टूरिज्म, राइट। तो गवर्नमेंट कह रहे हैं कि ये चाहती है कि जो टूरिज्म है उसको और बढ़ावा दिया जाए, और उसमें जो डोमेस्टिक लोग हैं यानी कि जो घर इंडिया के जो लोग हैं इट सेल्फ इंडियन जो लोग हैं उनको और प्रोत्साहित किया जाए कि वो रिलीजियस प्लेसेस को और विजिट करें, राइट। तो ये इनका एस्टिमेट है, और अकॉर्डिंग टू आवर एस्टिमेट क्लोज टू 60% ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म इन इंडिया इज रिलीजियस बेस्ड, ठीक है। तो रिलीजियस बेस्ड चूँकि टूरिज्म ही ज़्यादा है इंडिया में, तो इसी को कह रहे हैं कि और ज़रूरत इस बात की है कि इसको और इस पर किया जाए और इसको और बढ़ाया जाए, ठीक है। और ये देखिए जो तस्वीर है ये है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, राइट। तो ये मरीगांव डिस्ट्रिक्ट जो है आसाम में वहाँ का ये सेंचुरी है, और वन हॉर्न डायनासोर के लिए ये काफ़ी फेमस है, राइट। तो थोड़ा सा देखते हैं, तो देखिए पवित्रा कह रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ रिजर्व है मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में असम के, ठीक है, गुवाहाटी से 30 किलोमीटर दूर है। और इसके अलावा ये कह रहे कि रिवर जो ब्रह्मपुत्रा है वो यहाँ से पास होती है, राइट। और ये वन हॉर्न डायनासोर के लिए जाना जाता है, राइट। और ये देखिए पबितोरा डिक्लेयर किया गया था रिजर्व फॉरेस्ट 1971 में, और 87 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया था, ठीक है। और इस सेंचुरी में वन हॉर्न डायनासोर के लिए तो जाना ही जाता है, इसके अलावा इनमें लियोपार्ड, वाइल्ड बोर, ठीक है, बार्किंग डियर, बफेलो, ये सारे भी पाए जाते हैं, करेक्ट। और ये देखिए ये लालगढ़ में कह रहे हैं कि टाइगर जो है वो ये बहुत कोशिश की गई इसको पकड़ने की, लेकिन नहीं, लेकिन ये कैमरे में इसकी तस्वीर ट्रैप हो गई, राइट। तो यही कह रहे हैं कि लालगढ़ में डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू ट्रैप इट इट रिमेंस एलूसिव, राइट। लेकिन ये ट्रैप नहीं हुआ, पकड़ा नहीं जा सका, लेकिन इसकी तस्वीरें जो है वो कैमरे में कैद हो गई, मतलब तस्वीरों में इसके दिख रहा है, लेकिन ये अभी पकड़ा नहीं जा सका, जबकि गवर्नमेंट ने कहा है कि आप इसमें ड्रोन का भी यूज़ कीजिए इसको पकड़ने के लिए, राइट। तो ये काफ़ी ये सब जो ट्राई ये और ये देखिए आसाम में पॉइजन की वजह से 32 रेयर जो वल्चर्स हैं उनकी डेथ हो गई, राइट। और उसमें से कह रहे कि कुछ हालांकि उसमें से 7 जो है वो बचा ली गई, राइट, और उसमें से 4 को कह रहे रिलीज़ कर दिया गया। तो ये पॉइजनिंग के थ्रू ये हुआ, और ये कह रहे कि इससे जो इंडिया का जो कंजर्वेशन प्रोग्राम है उसको काफ़ी नुकसान हुआ है, राइट, क्योंकि इनका काम ही होता है इनकी रक्षा करना या इनको बचाना, क्योंकि ये ऑलरेडी इनकी नंबर्स काफ़ी कम होते जा रहे हैं, राइट। और ये देखिए कह रहे हैं कि जो भी बचे हुए हैं सर्वाइवर्स जो हैं उनमें से
हिमालयन ग्रीफॉन है यानी कि जिप्स हिमालयनसिस, एंड स्लेंडर्ड बिल जो है जिप्स टेरिरोस्ट्रिस, एंड वन वास ओरिएंटल वाइट वाइट बैक राइट, जिसे जिप्स बेंगालेंसिस वल्चर कहते हैं राइट। तो 32 द डाइट 29 वर हिमालयन ग्रीफॉन्सेस, ठीक है 32 में से 29 जो है वो हिमालयन ग्रीफॉन्सेस थे राइट। और देखिए IUCN स्टेटस की बात की जाए तो ये इनका स्टेटस जो है वो नियर थ्रेटेंड है राइट। तो ऑलरेडी ये नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में है और इतने सारे एक साथ मर जाना भी ये काफ़ी चिंता की वजह है राइट। तो ये कह रहे हैं देखिए ओल्ड वर्ल्ड वल्चर द फैमिली ऑफ एक्री पिट्रीडी, इनकी ये फैमिली है राइट, और ये क्लोजली रिलेटेड टू यूरोप जो ग्रीफॉन वल्चर है उनसे काफ़ी क्लोज है ठीक है। और हिमालयन से एडजोइनिंग टिबेटन प्लेटू में ये पाए जाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द टू लॉन्ग ओल्ड वर्ल्ड वल्चर ऑफ द ट्रू रैप्टर्स, ठीक है तो बहुत पुराने ये वल्चर्स हैं। और तो ये थे और इनका स्टेटस हमने देख ही लिया। और देखिए इस पे सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है ये राइट। और यहाँ पे देखिए मुस्लिम वोमेन जो है ये ट्रिपल तलाक बिल के अपोज में ये प्रोटेस्ट कर रही है। एक देखिए न्यूज़ है एक्ट ऑन फॉरेन फंड्स टू पार्टीज अमेंडेड राइट। तो देखिए जो विदेशों से जो चंदा आता है उसके एक्ट को अमेंड कर दिया गया है। और देखिए कह रहे हैं कि जो फंडिंग होती थी 1976 से इसको अभी तक स्क्रूटनाइज नहीं किया गया था राइट। तो ये देखिए बिना डिबेट के ही इसको इस बिल को अमेंड कर दिया गया राइट। तो जैसा कि हमने एक दिन डिस्कस किया था कि 14 मार्च को बिना किसी डिबेट के ही 21 अमेंडमेंट किए गए थे राइट फाइनेंस बिल में, उसमें से एक ये भी अमेंडमेंट था ठीक है। तो इसमें फाइनेंस कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 था जो बैन करता है ओवरसीज कॉरपोरेशन को फ्रॉम फंडिंग द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है जो बाहर से विदेशी चंदा आता है पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाता है, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन थे तो उस पर को भी अमेंड कर दिया गया, यानी कि अब पार्टियाँ जो है वो बाहर से चंदा ले सकती है ठीक है। और आर्मी टू बाई एयर डिफेंस सिस्टम राइट। तो आर्मी को इस बार फंड भी अच्छा खासा अलॉट हुआ है, तो काफ़ी ये जो अपने इक्विपमेंट है राइट जो भी डिफेंस सिस्टम है उसको और बस स्ट्रेंथ करना चाहती है ठीक है। और ये है सारी चीज़ें जो कांग्रेस महाधिवेशन में बोली गई ठीक है, तो इससे हमारा कोई वो नहीं है। और ये देखिए कह रहे हैं कि पुतिन जो है इस बार भी ये एग्जिट पोल के हिसाब से कह रहे कि इस बार भी ये लग रहा है कि राष्ट्रपति बन जाएंगे राइट। तो प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट ये चौथा टर्म होगा राइट। और काफ़ी अच्छी कह रहे कि 73.9% लोगों ने कहा है कि ये मतलब ऐसा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट हुआ है कि ऐसा प्रोजेक्शन ये है कि 73.9% वोट इनको इन्होंने सिक्योर किए राइट। तो ये है व्लादिमीर पुतिन के बारे में। इसके अलावा श्रीलंका में देखिए जो इमरजेंसी लगी थी उसको रिवोक कर लिया गया, उसको हटा लिया गया राइट। आपको पता होगा एंटी मुस्लिम वायलेंस वहाँ पे हुए थे, सिन्हलाज जो वहाँ पे हैं उनके और मुस्लिमों के बीच में ये वायलेंस फैला हुआ था राइट। तो फिलहाल वहाँ पे लग रहा है कि सिचुएशन कुछ नॉर्मल हुई है, तो वहाँ पर इमरजेंसी को हटा लिया गया राइट। रोहिंग्यास जो है वो देखिए वो कह रहे हैं कि वो अब अपने घर को जाना चाहते हैं राइट। तो इन्होंने कहानी लिखी है किसी एक पर्सन की और उन्होंने कहा है कि वो अब यहाँ पे टेंट वगैरह या ऐसी जगहों पे अब नहीं, वो अपने घर वापस वो अपने मकान पे जाना चाहते हैं, अपने गाँव में जाना चाहते हैं राइट। और देखिए ली केकियांग जो है वो सेकेंड टर्म उनको मिल गया है एज ए चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ठीक है। तो चाइना के ये प्राइम मिनिस्टर चुन लिए गए हैं और ये इनका दूसरा टर्म है ठीक है। डीपी वर्ल्ड AIF JV सेलेक्ट कॉन्टिनेंटल ऑफ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज़ देखिए इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है आगे एक्सप्लेनर देखिए जो आता है, एक्सप्लेनर अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए यहाँ भी कुछ चीज़ नहीं है, ये थोड़ा सा पावर के बारे में है राइट। नो पावर ऑफ चॉइस फॉर कंज्यूमर ठीक है। तो इसके अलावा ये देखिए एक ये जिम के बारे में है ठीक है। तो क्यू क्योर फिट के नाम से ये लोग हेल्थ पे कह रहे हैं कि
ये ध्यान दे रहे हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए, इसी की मैं बात कर रहा था, एक्सपेलेंडर के नाम से आता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आज दिया हुआ है, राइट। तो ये कह रहे हैं कि देर आर टू की पैरामीटर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एनालिस्ट यूज टू गेज द लेवल ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ये मेजर करते हैं दो गेज से, या दो पैरामीटर्स है, एक है IIP और दूसरा है PMI, राइट। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग परचेज इंडेक्स, राइट। तो इसके द्वारा देखा जाता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग की सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो पहले तो देखिए, इन्होंने डिफरेंस बता दिया कि PMI और IIP में डिफरेंस क्या है। तो कह रहे हैं कि फर्स्ट, PMI जो है वो प्राइवेट सेक्टर का सर्वे है, जबकि IIP जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। दूसरा फर्क ये है कि जो आपका IIP है वो मेज़र करता है आउटपुट, राइट, और PMI जो है ये इनपुट पे ज़्यादा बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये सजेस्ट करता है मेज़र एक्टिविटी एट द परचेसिंग ऑफ इनपुट स्टेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें आप पढ़िएगा इसको, बहुत अच्छी एक्सप्लेनर ज़रूर पढ़ा कीजिए, राइट। एक्सप्लेनर में कुछ ना कुछ चीज़ें होती है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई होती है, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ ही होती है, राइट। तो लेट्स मूव। ये स्पोर्ट्स में भी देखिए, कल काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच रहा, इंडिया बांग्लादेश का फाइनल जो रहा, एक बॉल पे, लास्ट बॉल पे 5 रन चाहिए थे और दिनेश कार्तिक ने 6 लगाया, और फाइनली इंडिया ने इसको जीत लिया, इस मैच को, राइट। तो काफ़ी अच्छा रोमांचक मैच रहा। और ये देखिए यहाँ पे, हालांकि ये ऐड है, लेकिन आप ये बताइए कि ये महामस्तक अभिषेक का क्या है, ठीक है। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, महामस्तक अभिषेक का, काफ़ी न्यूज़ में था ये। और ये देखिए, टेली मेडिसिन का यूज़ किया जा रहा है और उसको दिखाया गया है, वो भी डॉक्टर ने शुरुआत की है पाकिस्तान में, स्काइप के थ्रू ये असिस्ट कर रही है, और जो रोबोट जो विलेजेस होते हैं वहाँ पे पेशेंट को, राइट। तो ये है। इसके अलावा सहारा फार्मिंग बिगेन 10,000 ईयर्स अगो, राइट। तो रिसर्चर्स ने स्टडी किया एंशिएंट रॉक शेल्टर पे, और उन्होंने बताया कि सहारा फार्मिंग जो है वो 10,000 साल पुरानी है, राइट। और वाइल्ड सीरियल्स में भी स्टेपल्स इन कमिंग फ्यूचर ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।